तो अभी हो रहा है 2:30 बजे का टाइम और हम आए हैं बर्नपुर। आज है 7 पूजा और सप्तमी के दिन हम 2:30 बजे घूमने आए हैं। बाबूलो का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था तो सबको सुलाए और आए। और ये देखिए छोटे छोटे मटकों में बना हुआ ये खूबसूरत खूबसूरत सा मूर्ति और ये पूरा जूट वर्क। यहाँ पे पूरा आपको ये जो थीम है वो है जूट का जो बोरा होता है, मतलब जूट का जो रस्सी होता है उससे पूरा वर्क किया हुआ है। तो चलिए आपको दिखाते हैं, देखना बिल्कुल भी मत भूलिए और स्किप तो बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि एक एक चीज़ देखने लायक है, बहुत ही बेहद खूबसूरत है। तो चलिए चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं ये पूरा सजावट जो कि हर एक चीज़ जूट के रस्सी से बना हुआ है। तो ये बेहद खूबसूरत लग रहा है और ये देखिए ये आगे का पूरा नज़ारा, ये इतनी खूबसूरती और अंदर भी जो भी सजावट है वो सारे ही उसी जूट की रस्सी से बने हुए हैं। बस ये जो एक झूमर है वो वुडन वर्क का है। तो ये देखिए, मतलब ये लोग इतना कलाकारी लाते कहाँ से, ये तो खैर भगवान ही जाने। इतना खूबसूरत कैसे सजाते हैं, इतना खूबसूरत लग रहा है ये। मतलब सामने से तो एकदम हेवन टाइप फील आ रहा था कि जूट की रस्सियों से इतना खूबसूरत कैसे सजाया जा सकता है भाई साहब। तो ये देखिए ये बड़े बड़े मटकों में जूट के रस्सियों से बना हुआ ये बड़ा बड़ा सा मूर्ति और ये हमारी माता रानी की प्रतिमा जो कि लग रही है बेहद खूबसूरत, है ना। तो चलिए बोलिए जय माता दी। बिना जयकारों के अगर हम घूम लिए तो फिर क्या घूमे, इसीलिए जयकारे लगाने तो बनते हैं। तो चलिए माता रानी का दर्शन करते हैं, जयकारे लगाते हैं और आपको आगे दिखाते हैं। ये देखिए ये एक बड़ी सी मूर्ति के सामने मैंने भी फ़ोटो खिंचवा ही लिया। तो कैसी लग रही हूँ मैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जय माता दी के जयकारे भी कमेंट में ज़रूर लगाइएगा। और चलिए हम बढ़ते हैं आगे और आपको एक बार फिर से दिखाते हैं बाहर का खूबसूरत सा नज़ारा। ये यहाँ का इतना सारा अवार्ड है और बाकी ये देखिए बाहर से इतना खूबसूरत, आपको बिल्कुल बारीकी से हर एक और दिखा रही हूँ। तो इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। हमारी बात थी बस इतनी ही घूमने की क्योंकि बाबूलू का तबीयत ठीक नहीं है, बट हम हैं, बाकी सारे पानी कम है। तो हम निकल गए और आगे और पहुँच गए चितरंजन। अभी फ़िलहाल हम आसनसोल में ही हैं, अभी निकल रहे हैं। तो ये देखिए सुबह के 3 बजे का नज़ारा कुछ इस तरह का हो रखा है और ये इतना खाली सन्नाटा में चलने में मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है। और अब हम पहुँच चुके हैं मेन रोड पे। तो ये देखिए हमारी मस्ती का कोई ठिकाना नहीं है, किस किस को कर कौन कौन करता है अपने भाई बहनों के साथ इतनी मस्ती और अपने पति देव के साथ इतनी मस्ती, तो ये देखिए कमेंट में ये भी ज़रूर बताइए। और ये पूरा सन्नाटा और ये मेरे हनुमान जी, तो चलिए हनुमान जी के जयकारे भी ज़रूर लगाइए, जय श्री राम जय हनुमान। और हम जा रहे हैं अब चितरंजन और चितरंजन का एक एक पंडाल देखने लायक है, तो स्किप बिल्कुल मत कीजिए और पूरा ब्लॉग पूरा वीडियो अच्छे से देखिए। चलिए चलते हैं चितरंजन और देखते हैं सबसे पहला पंडाल। तो ये यहाँ पे हम आ चुके हैं और ये देखिए ये लाइट्स कितनी प्यारी लग रही है, हमारे तिरंगे को दर्शा रही है। तो चलिए स्लाइड्स को देखते हुए हम इन कर रहे हैं चितरंजन में। ये है चितरंजन जहाँ पे हम इन कर चुके हैं और ये गेट बेहद खूबसूरत लग रहा था तो मैंने सोचा ये भी आपको दिखा ही दूँ। यहाँ का हर एक चीज़ देखने लायक है, ये देखिए ये ट्रेन कितना प्रिटी लग रहा है, तो मैंने सोचा इसे क्यों छोड़ दूँ, इसे भी दिखाई देती हूँ। तो चलिए और आगे चलते हैं और आपको पूरा एक एक जगह दिखाती हूँ। और हम पहुँचने वाले हैं हमारे पहले पंडाल की ओर जो कि है चंद्रयान 3 और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है अंदर से, आप देखना बिल्कुल भी मत भूलिए और स्किप तो बिल्कुल भी मत कीजिए। इसीलिए मैंने आपको हर एक चीज़ दिखाया है, छोटा छोटा पार्ट्स भी दिखाया ताकि आप देखिए और पूरे पंडाल का घर बैठे ही मज़ा ले पाइए। तो ये देखिए ये है चंद्रयान 3 पंडाल, तो बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा था लेकिन इतना खूबसूरत था कि बातों से वर्णन करना तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। चलिए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं एक एक पार्ट पूरे पंडाल का जो कि बेहद खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए ये सारा
नज़ारा है चंद्रयान 3 का, तो किस किस को देखना पसंद है ऐसे पंडाल वो मुझे कमेंट में बताइए। और चलिए चलते हैं अंदर, बाहर का देखते जाइए और अंदर चल के आपको और भी खूबसूरत दिखाऊंगी। इससे पहले आपको बाहर का अच्छे से नज़ारा दिखाती हूँ, दूर से नज़दीक से। और अब चलते हैं हम अंदर और देखते हैं। और ये देखिए, ये अंदर का भी नज़ारा कुछ इस तरह का है, लग रहा है ना बेहद ही खूबसूरत, वाओ जस्ट वाओ। तो चलिए और अंदर चलते हैं और आपको और अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। मतलब सीढ़ी से ये क्या बना दिया है यार, इतना खूबसूरत, समझ ही नहीं आ रहा था कि अंदर घुसते के साथ तो ऐसा लगा जैसे हम सच में स्काई में ही हैं और पूरा एकदम मतलब हम कुछ स्पीचलेस, जस्ट स्पीचलेस। बस आप देखिए और बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, कि आपको लग रहा है कि आप सच में चांद पे उतर चुके हो। तो ये देखिए, ये बाहर का नज़ारा है और ये है पूरा अंदर का नज़ारा। ये कितने सारे एस्ट्रोनॉट आपको उड़ते हुए नज़र आ जाएंगे, और ये मेरा भाई भी उड़ रहा है। तो चलिए और आगे दिखाते हैं, ये हमारी माता रानी जो कि आसमान से आप लोगों को आशीर्वाद दे रही हैं। और ये देखिए, लग रहा है ना बहुत खूबसूरत, ऐसा लग रहा है कि हम चांद पे ही माता रानी का दर्शन कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ मैंने भी कुछ वीडियोस शूट कर ही लिए अपने। और ये देखिए, अब बताइए कि कैसा लग रहा है आपको ये पंडाल। और इसके साथ हम बाहर आ गए और ये देखिए, ये है सुबह 3:30 का टाइम हो रहा था समथिंग, और हम घूम रहे थे। थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही थी और लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था और बहुत खाली खाली था, बट इतने में ही एक और कपल आ गए तो हमें बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद हम गए दूसरे पंडाल के, और ये भी बेहद खूबसूरत है। ये कोई मैदान था वहाँ पे, और वहीं पे स्टेडियम था शायद, और वहाँ पे बनाया गया था ये पंडाल जो कि बहुत खूबसूरत था। ये भोले बाबा के थीम पे कुछ था। अंदर चलिए और आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये गेट लाइट्स, कोई भी लाइट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं लाइट्स दिखाना बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ। तो चलिए और चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं। यहाँ पर पंडाल इन करते के साथ सबसे पहले नज़र आएंगे हमें हमारे भोले बाबा, जो कि बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और ये पंडाल रंग बिरंगा पंडाल था, बहुत ही खूबसूरत था। आपको और भी अंदर का नज़ारा दिखाती हूँ, आप वीडियो में बने रहिए पेशेंसफुल्ली और देखिए, क्योंकि जब पंडाल देखना है तो अच्छे से देखना है। तो चलिए दिखाते हैं और आगे का आपको पंडाल। तो ये देखिए, लग रहा है ना बहुत ही खूबसूरत, और ये पूरा पंडाल बहुत ही कलरफुल था, और इसका थीम तो बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है। और ये हमारी माता रानी, तो जयकारे लगाइए जय माता की। और ये देखिए, ऊपर का भी सजावट बहुत ही खूबसूरत था, इसीलिए आपको ऊपर के भी सजावट ज़रूर दिखाती हूँ, क्योंकि वो जो झूमर होता है और ऊपर का सजावट होता है वो भी बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये देखिए, घूम घूम कर आपको चारों तरफ का सजावट दिखाती हूँ, और फिर इसके बाद हम चलेंगे एक बार फिर से बाहर और आपको दिखाएंगे फिर से एक बार बाहर का नज़ारा। तो ये देखिए, ये चारों तरफ का है ये ऐसा नज़ारा जो कि लग रहा है बेहद ही खूबसूरत। तो इसके साथ हम एक बार फिर से वापस चलते हैं, और आप जयकारे लगाइए, मेरे इस ब्लॉग को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि और भी लोग देख सकें। और ये देखिए, ये एक बार फिर से बाहर का नज़ारा। और इसके साथ ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।